हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो गाइस, हम वापस से आ गए हैं, जो कि बहुत दिनों के बाद आए हैं। अभी मैं जस्ट आया हूँ अपने इस वाले शॉप पे, यहाँ से बैठे मुझे कुछ सामान खरीदना था। जब ही मैं आ रहा था तो देखिए यहाँ पे बाहर क्या हो गया, इतने सारे एक्सीडेंट यहाँ पे हो गए। अभी मैं इसे खड़ा था, बस जैसे सुबह को उठा देखा तो सुबह देखिए कितनी सारी यहाँ पे गाड़ियां लड़की आपस में भिड़ गई है। अब ये पता नहीं कैसे ये लोग हटेंगे, इसका तो नहीं पता, पर ये पर्सनल मैटर है अपना सॉल्व करें। एक गाड़ी लड़के इधर आके फेंका गई, इतना दूर से लड़ी, जितना जबरदस्त एक्सीडेंट था कि यहाँ आके फेंका गई। तो वो अपना उधर बेचारा पलटा हुआ है, एक इधर सॉल्व हो जाए तब ये इसका सॉल्व हो। आप अपना अपना देख लेना सर। तो आते हैं हम लोग वापस अंदर। लास्ट वीडियो में क्या किया था कि जो मेरा ग्रीन हाउस वाला था उसको मैंने कम्प्लीट कर दिया था। अब उसके बाद मुझे फार्मिंग स्टार्ट करनी थी, तो फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए मेरे पास प्लैंक नहीं था, तो मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारा प्लैंक खरीद के उसको ट्रक में लोड करके वापस कर दिया। खैर वो तो अपना चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो मुझे बनाना पड़ेगा कुछ स्टार्ट करने के लिए ना। तो मैं यहाँ पे आया शॉप पे खरीदने के लिए। बाकी सब जो भी जितने भी एनिमल है वो मैंने खरीद के सब उसमें फिट कर दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत मजेदार वीडियो था पिछला वाला। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए अभी मुझे फार्मिंग के लिए, सबसे पहले मुझे नीचे आता हूँ। यहाँ पे ये बीस मुकर सब का भी काम करना बाकी अभी। हाँ, यहाँ पे है टोमेटो सीड है, स्ट्रॉबेरी सीड है, पंपकिन सीड है। तो मैं काम करता हूँ कि भी मेरे पास $14,538 जो कि इनफ है, तो मैं एक एक सीड को रख लेता हूँ क्योंकि बाद में काम ही आएगा, क्योंकि बहुत सारा इतना बड़ा मेरा प्लांट है कि ये सब कम ही पड़ेंगे। तो मैं एक एक को रख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ये ऐड कर लेता हूँ, एक स्ट्रॉबेरी का, एक सीड का, एक वाटरमेलन का, एक कैबेज का, और यहाँ पे ग्रेप है, बेल पेपर है, पाइनएप्पल है, फर्टिलाइजर भी रख लेता हूँ, देखता हूँ क्या काम आता है, और एक मेडिसिन। नीचे आते हैं, एक कंपोस्टर है, कंपोस्टर भी मैं रख लेता हूँ, और एक स्प्रिंकल पता नहीं क्या काम आएगा, वीट का सीड है, कॉर्न का सीड है, और सनफ्लावर सीड है। इतना सब हो गया। ये क्या है, एस्टर बास्केट। ये कोई नया अपडेट आया, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि एस्टर बास्केट है क्या। 1250 को तो इसी तरह पूरा हो गया। ये सब तो मेरा एक ही है, लेकिन मैं एस्टर बास्केट को एक काम करता हूँ, दो ले लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या होता है। और 1350 का है तो मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ। तो गाइस, ये मेरा सारा का सारा मेरा खरीद लिया हूँ मैं। अब मैं बाहर जाके अपने गाड़ी पे सब इसको लोड करता हूँ, देखता हूँ कितने सारे सामान है। ये काफी सारे सामान है, तो इसको मुझे गाड़ी पे अपने लोड करना पड़ेगा। कुछ तो सामान पहले से ही है। एक काम करता हूँ, इसको बारी बारी से मैं यहाँ पे एक लाइन से रखना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, मैंने सारा सारा सामान यहाँ पे जितने भी था सब मैंने यहाँ पे अपना लोड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई सामान बचा नहीं है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ अपने घर की तरफ। मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने सब ऑर्डर किया है। कुछ चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसमें क्या इसका यूज आएगा, तो उसके लिए मुझे अब देखना पड़ेगा। और इन लोग का एक्सीडेंट तो यहाँ पे चलता रहेगा, करते रहिए आप एक्सीडेंट। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। रोड तो वैसे बहुत अच्छा हो गया है गाइस, क्योंकि रोड बहुत प्लेन है और बहुत ही जबरदस्त लगता है, एकदम खुला आसमान है, और रोड पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। अभी अगर इस पे अपडेट आ जाए कि थोड़ा सा जगह जगह और मार्केट बन जाए, कि कुछ और मतलब बहुत सारे अलग अलग घर या शॉप बन जाए यहाँ पे, जैसे हम लोग को मैप पे दिया बनाने के लिए, तो यहाँ रेडीमेड आ जाए तो बहुत अच्छा लगता अगर आ जाता। तो अभी मैं अपने इस सीधे वाले रोड पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो लकड़ी का मुझे रोड बनाना था वो मैं बना नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत टेढ़ा है, और अगर इसको मैं बनाने की कोशिश भी करता तो सही से फिट नहीं हो पाता, गाड़ी चलाने में दिक्कत होगा। बारिश भी हो गई, अभी बारिश भी आनी थी। अब मैं अपना घर पे आ गया हूँ, क्योंकि बारिश तो बहुत ज्यादा है, पर मैं अपना काम तो नहीं रोक सकता, तो मैं काम अपना करता रहूंगा। एक काम करता हूँ मैं कि डायरेक्ट मैं इधर से चलता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट जाना है अपने फॉर्म पे ही, जो मैंने अपना ग्रीन हाउस बनाया था। गाड़ी को मैं यहाँ चढ़ा लेता हूँ और बिना कोई दिक्कत के, और ये वाला रोड में पकड़ लेता हूँ, सीधे में चलता हूँ। अभी ये वाला रोड थोड़ा अधूरा छोड़ा था, क्योंकि पिछले बंडे में कुछ अपडेट नहीं किया, जस्ट का मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है, कोई ज्यादा मैंने कुछ खास किया नहीं है। इसको मुझे कनेक्ट करना है, कैसे करके कैसे कनेक्ट होगा मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया गाड़ी लेके, और गाड़ी को एक किनारे लगा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बीच में लगाता हूँ, ताकि मैं मेन वाला रोड खोलूँ, और इस तरह से यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आया है यहाँ पे। मैंने तो ये सब चीजें मैं मंगा लिया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है। ये एक खरगोश है, और उसके साथ ये क्या क्या चीज है यह, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, कि ये एक खरगोश है इस तरह से बैठा हुआ है, और उसके साथ ये अंडे है कि पता नहीं क्या है, जो कि बहुत प्यार लग रहा है, और इसको डेकोरेशन के मामले में बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको बहुत सारा बाई करने वाला हूँ। बाई करके मैं रख दूंगा, ताकि अपडेट में तो चला जाता है ये सब, वापस खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसे रहेगा, मेरे पास ही रहेगा हमेशा। तो अंधेरा भी होने को है, लाइट में बाहर का एक एक ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले में स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ की सारी लाइटें ऑन कर देता हूँ। तो गाइज, मैंने सारी सारी लाइट ऑन कर दी, ये वाला मैं छोड़ दिया हूँ, जगह जगह मैंने गैप दिया था, पर मैंने इसको ऑफ कैमरा इसको सब पूरा फुल कर दिया, तो देखने में अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे अपना प्लांट वाला जो काम है स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा इसका एक जो फील्ड एरिया है, जहाँ पे मैं प्लॉटिंग करूंगा। स्मॉल वाला है, लार्ज वाला, तो मैं लार्ज वाला बनाऊंगा। बहुत बड़ा ही लार्ज दिखा रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इस तरह से रखूँ
आई थिंक यही ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा गैप देके रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो एक ऐसे में यहाँ लगा देता हूँ, और अगर मुझे बाद में फ्यूचर में ज्यादा चाहिए होगा मुझे प्लाट करने का, तो मैं और थोड़ा सा एरिया कम कर दूंगा। ऐसे में सब फटाफट में लगा देता हूँ। तो गाइज मैंने सारा सारा यहाँ पे जो है बना दिया हूँ। अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ लग रहा तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि सही से मैचिंग मिल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैं बना दिया। अब इसके लिए 18 प्लैंक लग रहे हैं एक में, तो काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे डिकेट ट्रक में सब लकड़ी भर के लेके आ गया हूँ। मुझे नहीं पता कि पूरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 18 प्लैंक बहुत ज्यादा होता है। तो मैं फटाफट से प्लैंक जितना भी फिल करके मैं आपसे मिलता हूँ। अभी तो गाइस मैंने 4 ही कम्प्लीट किया, मुझे अभी बाकी कम्प्लीट करना है। पर मुझे अभी जो सीड लाया हूँ, जो फर्टिलाइजर लाया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कैसे काम करेंगे। देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, सब कवर है, फिर भी यहाँ पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये पानी कैसे कहाँ से बह के आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर ये देखिए, अगर मैंने सोचा था कि यहाँ पे गैप इस छोड़ा था, क्योंकि मुझे कुछ करना खेती, तो खेती करने के लिए अगर मैं ऐसे डायरेक्ट जमीन से जोड़ूंगा तो लगेगा कि हाँ कुछ प्लांट लगा हुआ है, खेती हो रही है। अगर मैं इस सब प्लैंक लगा के इसके ऊपर लगाता तो एकदम ऐसा लगता कि आर्टिफिशियल है, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं। खैर आपको कैसा लग रहा है, अगर ये इस तरह से ठीक लग रहा है तो मैं इसको ही आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको प्लैंक चाहिए यहाँ पे जमीन में पूरा तो बताइएगा, तो मैं इसको भी लगा के तोड़ के फिर से बना दूंगा। अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मिट्टी है और पानी, इसमें पता नहीं है कि नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे पानी को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे मिट्टी दिख रही है, तो मैं जो बाकी के सामान जो लाया हूँ उसको मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये क्या है इसको मुझे देखना पड़ेगा। और ये है आई थिंक फर्टिलाइजर, यस गाइस ये फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर ही सबसे पहले डालते हैं आई थिंक। क्या इसमें जाएगा फर्टिलाइजर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें कैसे ये जाएगा। इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन आ भी नहीं रहा है, कैसे ये इसमें छोड़ दे ऐसे। और नहीं, फर्टिलाइजर के यहाँ कोई काम नहीं दिख रहा है अभी। अभी क्या एक लाए थे बोतल में जो छोटा सा था, ये एक स्प्रिंकल है, ये स्प्रिंकल किस काम आएगा। ऐसे यहाँ पे लगा दे क्या इसको इस तरह से, ये पानी फेंकेगा, पानी भी नहीं फेंक रहा है। तो नो विंडमिल इन रेडियस, ओके अब समझ में आया, ये एक स्प्रिंकल है, इसको मुझे कुछ ऐसे लगाना है कि जो वहां पे विंडमिल लगाए थे हम वो इस पे काम करे। तब जाके ये मेरा स्प्रिंकल काम करेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, अभी इसको किनारे रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस प्लैंक पे ऐसे लग रहा है, और अगर मैं इसको जमीन पे लगाऊं तो ऐसे सीधे लग रहा है। तो मेरा फैसला मतलब सही था, एकदम एग्जैक्टली सही था। तो मुझे या तो इसके अंदर यहाँ लगाना पड़ेगा तभी लगेगा, तो बाहर लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इसको नहीं बनाया क्योंकि बड़े बड़े लग रहा था। ठीक है, दूसरा क्या है कि सीड है यहाँ पे, मेरे पास एक सीड है, एक किसी चीज का सीड होगा, इसको मैं लगाता हूँ पहले यहाँ पे। हाँ एक हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक सीड ग्रेप्स का लगा दिया। अब इसमें कुछ बता रहा है, इसको मुझे समझना पड़ेगा क्या ये बता रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रेप्स जो है वो इसमें सब जीरो दिखा रहा है, लास्ट में 4.62 हो गया। ये पता नहीं कैसे ग्रोथ हो रहा है, आई थिंक लगता है कि ग्रोथ स्टार्ट हो गया होगा इसमें। थोड़ा सा यहाँ पे है आर टू डिमो, अच्छा ये बीज है, अगर इसको मैं निकाल दूंगा, नहीं मुझे निकालना नहीं है तो इसको रहने देते हैं। तो ग्रेप्स को मैंने लगाया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ मैं ग्रेप लगाया हूँ। और बाकी तीन तरह के हैं, तीनों को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। एक दूसरा है, ये किस चीज का है नहीं पता, पर मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ पे दोनों में लगा दिया। और ये कैबेज है, तो कैबेज के यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको दोनों नहीं लगाया, हाँ अब ये दोनों लग गया, ये ठीक है। और दो ये हो गया, दो और मेरे पास है, दो कौन से हैं इधर पीछे रखा हूं मैं, इसको निकालना पड़ेगा। एक ये पता नहीं कौन सा उठाया हूं मैं, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे कौन सा सीट लगा हुआ है। और एक और उठा लेता हूँ, ये शायद टमाटो की स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी लग रहा है। एक यहाँ पे ऐसे हो गया स्ट्रॉबेरी, एक ऐसे। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, मुझे लगता है कि इन लोग को पानी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है क्या क्या काम है। इस बार मैं इसको ट्राई करता हूँ कि जो बेली आऊं। अब ऑप्शन आया फर्टिलाइजर का, ओके ये फुल हो गया, इसमें भी डाल देता हूँ और इसमें भी डाल देता हूँ, दोनों का फर्टिलाइजर हो गया, एक इसमें और एक इसमें, उसके बाद इस वाले में और इस वाले में, मतलब ये जो दिखा रहा है ना इसको मुझे फुल करना है कैसे भी करके। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ था, हेल्थ के लिए दवा वाला जो मैंने लाया था बोतल, वो मैंने कहाँ रखा, आई थिंक इसको मुझे उतारना पड़ेगा, हाँ इधर रखा है, इसको ही मुझे डालना पड़ेगा। ये चीज कैसे होगा काम, ये जा रहा है ऑप्शन, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है इसको डालने का, ये लगता है किसी और काम में आने वाला है ये, हाँ ये किसी और काम में आ रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो ये छोड़िए। और एक मैंने ये डब्बा लाया था, पता नहीं किस काम का ये आने वाला है, इसको मुझे कैसे यूज होगा इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और इसके अंदर पता नहीं क्या ये डलाएगा, ये चीज डलाएगा क्या, नहीं इसमें ये भी नहीं डला रहा है, उसमें कुछ अलग चीजें डलाएंगी, क्या डलाएंगी वो नहीं पता, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये सब हो गया, अब मुझे पानी का कुछ करना पड़ेगा। तो एक मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे,
उसके बाद मुझे एक यहाँ पे आसपास एक विंडमिल लगाना पड़ेगा। तो विंडमिल लगाने के लिए पीछे ही बेटर ऑप्शन रहेगा, यहाँ तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि विंडमिल यहाँ पे बेटर एरिया कवर करेगा। ऐसे में ऑन कर देता हूँ, अभी देख रहा हूँ कि क्या ये मेरा पूरा वहां तक कवर कर रहा है या नहीं। आई थिंक नहीं, ये इतना कवर नहीं कर पा रहा है, इतना छोड़ दिया उधर भी। और इधर वाले में क्या हालचाल है, इधर वाले में भी छोड़ दिया है, लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक काम करता हूँ मैं कि इसको मैं उठा के कहीं और लगाता हूँ, मतलब इधर का अलग और इधर का अलग। तो सबसे पहले मैं इधर का बना लेता हूँ, उधर का मैं बाद में देख लूंगा। इसको मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ इस तरह से। तो गाइस एक यहाँ का ये बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको मुझे सब भरना पड़ेगा। 150 मेटल है जो कि मैंने लाया था खरीद के, तो यहाँ पे मैंने मेटल रखा हुआ था गाड़ी में। गाड़ी से मेटल उतार के फटाफट मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये आई थिंक है क्या, हाँ ये मेटल है। 50 3 स्टैक लग जाएगा, बैठे बैठे इतना सारा पैसा, $2,500 बस क्यों चुटकियों में गायब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एक प्यारी सुबह हो गई हमारे इस रेंच में। तो आज का मौसम एकदम साफ सुथरा है, बहुत सारे काम होंगे अच्छे अच्छे, इसलिए आज का मौसम भी बढ़िया स्टार्टिंग दिया है। मैंने यहाँ पे लास्ट नाइट को ये वाला बना दिया था विंड मिल, इसमें 150 मीटर लगा था, लगा दिए और ये विंड मिल स्टार्ट हो गया है। इसका रेंज भी अच्छा खासा है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, उसका मैं अलग से बना दूंगा तो ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं अंदर आता हूँ और मेरे पास ऑप्शन ये आ रहा है यहाँ का, ये जो है स्टार्ट वाटरिंग का, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और ये पानी का काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए ऊपर का दिखा रहा है गाइस, जो ब्लू वाला था वो फुल हो गया। और पता नहीं कितना सबको पानी दिया, आई थिंक इधर पानी नहीं दे रहा है, सिर्फ इधर ही दे रहा है। तो मुझे इसको उठा के सेंटर में करना पड़ेगा ताकि ये पानी दोनों तरफ दे, ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं ताकि इसको भी पानी मिले। अभी तो ये हो नहीं रहा है, अभी होगा यहाँ से और ऐसे, आई थिंक ये पे, हाँ देखिए इन लोगों को पानी मिल गया लेकिन इसको नहीं मिला। थोड़ा सा और उसको उठा के करना पड़ेगा आगे ताकि ये इसको और पानी दे, और आई थिंक इसको पानी अब भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि खरीदना ही पड़ेगा मुझे एक और। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि एक यहाँ पे टेम्परेरी में लगा देता हूँ जिससे कि इसको पानी मिल जाए, और मैं मार्केट में जाके बहुत सारा मैं खरीद लेता हूँ। पानी मिल रहा है, एक ये नीचे दो और दिखा रहे हैं, ग्रोथ के लिए क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। पानी तो मान लीजिए फुल हो गया, पानी दिखा रहा है इसमें, इसमें वो हरे रंग का आई थिंक ग्रोथिंग स्पीड दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोग को समय देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये आई थिंक जाएगा लेकिन दिखा नहीं रहा, फुल नहीं कर रहा है। अब देखिए ग्रीन वाला कंप्लीट हो गया, इसका पानी तो कम हो रहा है, पर मुझे लगता है कि ये जो ये चीज है और ये चीज है, इसका भी हरा हो गया और इसका भी हरा हो रहा है। तो मतलब ये जो है थोड़ा अलग टाइप का है प्लांट, इसको ग्रोथ होने में टाइम लग रहा है। शीशा बंद इसकी वजह से क्या, इसको बंद कर देते हैं। मैं पूरा एक काम करता हूँ, सब बंद रहेगा तो बेटर रहेगा, तो शायद इन लोग का ग्रोथ अच्छे से हो। अब इन लोग का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देखिए गाइस ग्रीन रंग का ये पत्ती आ गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला प्लांट स्टार्ट हो गया गाइस। तो इसका भी ये गोभी वाला है, ये गोभी मेरा निकलने वाला है, जल्दी हो जाएगा। इसके लिए पानी की कमी पड़ रही है, पानी यहाँ पे फुल कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे में लगा के और स्टार्ट वाटरिंग कर देता हूँ। और इन लोग को फर्टिलाइजर मिल ही रहा है, अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा निकल के आता है। तो इन लोग का चलता रहेगा तब तक मैं एक काम करता हूँ कि बाकी मैं बाहर का देख लेता हूँ आगे मैं क्या करने वाला हूँ। इसको मैं यहाँ पानी फुल कर देता हूँ, सबका पानी फुल हो जाए। हाँ यहाँ पे इन लोग का चल रहा है, अब मैं बाहर आता हूँ, इनको मैं यहाँ पे चालू करता अपना करता रहेंगे। तो ये सब हो गया और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका मैं क्या काम करूंगा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं कहीं सेंटर पर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके ऊपर आएगा क्या गाइस, इसके ऊपर मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे आ गया तो डेकोरेशन के काम आ जाएगा। हाँ ये आ गया, ऐसे ठीक लग रहा है। ऐसे में बहुत सारे लाकर मैं यहाँ पे मैं लगा दूंगा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा क्रिसमस ट्री था जो लगा दिया था, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन पूरा शेड मिल गया है। मैंने यहाँ पे एक खरगोश को रख दिया जो कि अपना लग रहा है, ये मुझे एरिया बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून देता है यहाँ पे रहना। ये मेरा पर्सनल गार्डन है इसलिए इसको बनाया हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मुझे और बाकी है। तो मेरा ये वाला काम तो कम्प्लीट हो रहा है जो कि अब मेरा एक नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जो मेरा ग्रीन हाउस वाला है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पूरा हरा भरा रहेगा, सब बना रहेगा, और कि मुझे जो भी सेलिंग और बाइंग करना पड़ेगा उस समय स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं, जो मेरा बी हाइव्स है, मैंने एक नया अपडेट आया था इसमें वाले में, बी हाइव वाला, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला हनी एक्सट्रैक्टर वुडन बी हाइव, ये सब जो भी काम है इसको मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा कि ये क्या काम कैसे करता है, और इसका भी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं गाइस एक सप्लाई रखने वाला हूँ कि मैं कौन सा काम मैं आगे रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी मुझे ये वाला बनाना है, ये बनाना है, और बाकी चीजें क्या क्या है, ये सब जो मैंने बनाया, जो प्लानिंग किया मेरे पिछले वीडियो में है, आपको देखना तो आप देख सकते हैं क्या क्या उसमें है। उसके बाद यहाँ पे बाकी पीछे बहुत सारा काम है तो उसको मुझे
कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में सरप्राइज होने वाला है कि एक नया काम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहिएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक एनिमल वाला खरीद के गया था, उसको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ उन लोग के साथ। ये देखिए इतने सारे बकरियां और बकरियों के बच्चे आ गए इस वाले में, और इस वाले में मैं बीहाई वाला रखूंगा जो कि बाद में होगा अभी, और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे काऊ नहीं है, ये जसके तो ऐसे बड़े हैं। अच्छा एक बकरी इधर आ गई, वो कुछ हो ग्लिच हो गया होगा। और ये पिग्स देखिए, इतने सारे पिग्स और पिग्स के बच्चे, मतलब पैसा ही पैसा आने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पे मैंने चिकन का जो बना दिया था, इसमें अपना चिकन जो है अंडे दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे खोल के देखेंगे तो अंडे निकलेगा इसमें से, देखिए बहुत सारे अंडे हो गए। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चिकन फैमिली, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये देखने में अच्छा भी लग रहा है, इसका मैं लाइट यहाँ से ऑन कर देता हूँ ताकि ये साफ साफ विजिबल हो। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, और ये सब काम अपना होता रहेगा। अब मैं अब देखता हूँ कि मेरा क्या प्लांट कुछ ग्रोथ हुआ है या नहीं। यहाँ पे ये वाला भी काम भी पेंडिंग है, कितना सारा बनाना है, यहाँ पे इतने सारे मीट पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मुझे भी एक दो रखना था, तो किचन वाला भी काम शुरू करना है अभी। अभी कोई बंदा ऐसा हाई कर सकते हो कितना बढ़िया था। अभी मेरे कुछ पक्षियों की आवाज, अच्छा मुर्गियों के बच्चे हैं, मुर्गियों के बच्चे चूजे हैं जो कि इसमें कहीं होंगे, यहाँ पे अंडे दे रहे होंगे, हाँ इसमें आवाज कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मेन मेन आवाज है। और यहाँ पे इन लोग का आई थिंक इन लोग डेथ हो गए हैं, तो मैं देखता हूँ अपने वहां पे कि क्या मेरा वो प्लांट बढ़ गया कि नहीं। ओ गाइस, तो मेरा प्लांट देखिए फाइनली कितने प्यारे लग रहे हैं, ये गोभी मेरा लगता है कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ इसका जो ग्रोथ है फुल दिखा रहा है, इसके नीचे वाला बार क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर इसमें पानी की कमी है, पानी में भी दे देता हूँ। और इसका मुझे आगे क्या काम करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, मुझे लगता कि बार बार मुझे पानी से देना पड़ेगा तभी इन लोग का पानी फुल होता रहेगा, अपने से ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है ये इसमें। तो ये भी ठीक ही है, लेकिन बाद में लगा दूंगा तो बहुत सारा तो अपना काम चलता रहेगा। लेकिन ये देखिएगा ये बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा ये प्लांट स्टार्ट हो गया जो कि बहुत सुंदर है। ये मेरा फर्स्ट है जो कि को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि बहुत सारा मैं प्लांट बनाकर इसको मैं सेलिंग करने वाला हूँ। ये तो मेरा हो गया, अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत अच्छे लेवल पे होगा, मैं सब बेचूंगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं, आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉयड दिस वीडियो, तो लाइक दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब तो करके जाना प्लीज, मेरे मेहनत को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट किए बताइए कि मैं और ऐसा क्या इस रेंज में बनाऊँ जो कि आपको देखने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा यूनिक चीज जो बताएंगे उसमें बनाने का ट्राई करूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। कीप स्माइलिंग, थैंक यू।